उसके बारे में। अब जो है यहाँ से अगला टॉपिक आ रहा है डीएनए रेप्लिकेशन, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन देखिए होता क्या है, बोलते हैं जनरली कि रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मतलब कॉपी, जो डीएनए की कॉपी, डीएनए कॉपी करता है उसको हम सिंपली साधारण भाषा में बोल रहे तो कॉपिंग के बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसी के लिए दूसरा वर्ड डुप्लीकेशन भी यूज होता है, बोलते हैं ना डुप्लीकेट बना देना, डुप्लीकेट मतलब उसी के जैसा। तो डीएनए रेप्लिकेशन बोल रहे, डुप्लीकेशन बोल रहे या कॉपी बोल रहे, एक ही बात है। टेंथ क्लास में पढ़ा होगा आपने डीएनए कॉपी, ठीक है, तो वही टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में ट्वेल्थ क्लास में। तो क्या है इसका मतलब, फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए। तो आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम, अपने जैसे प्रतिकृति, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि फोटो कॉपी कराते हैं आप, तो इस फोटो कॉपी में जो इमेज बन के आया पूरा पूरा, वो बिल्कुल सेम उसी के जैसा, जो नया पेपर आया उसको बिल्कुल सेम उसी तरह प्रिंट हो गया बिल्कुल। तो क्या है आइडेंटिकल कॉपीज, बिल्कुल कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं है, एक जैसा उसके सेम जैसा रहता है। तो बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक। अब यहाँ से इसके अंदर जो टॉपिक आता है वो है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव फेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसका मतलब ये है कि डीएनए जो है सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव तरीके से अपनी कॉपी बनाता है। अब सेमी का मतलब क्या है, सेमी का मतलब होता है आधा, ठीक है, हाफ। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, संचित करके रखना, यानी कि इसमें जब एक डीएनए से, मान लीजिए एक डीएनए है, एक डीएनए से जब इसकी कॉपी बनेगी, दो बनेंगे इस तरीके से, तो उसमें हम देखते हैं कि एक स्ट्रैंड इस तरीके से ही आ रहा है यहाँ से, तो ये तो क्या होगा, ये तो पुराने वाला स्ट्रैंड है, और नया एक आता है नया, तो ये कौन सा है, ये न्यू स्ट्रैंड है। तो हर एक चाहिए पूरा पूरा डीएनए, ये मान लीजिए चाहिए, मान लीजिए पूरा, तो इसके अंदर एक पुराना स्ट्रैंड है और एक नया स्ट्रैंड है। तो इस तरीके से आधा पहले वाला जो पुराना स्ट्रैंड था वो यहाँ पे रहना, कंजर्व करके रखता है, संचित करके रखता है फ्यूचर के लिए जैसे बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। तो पूरा डीएनए है तो आधा पहले वाला पुराना और आधा नए वाला है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव फेज। तो डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होता है, ठीक है। और इसके बारे में जो जो दिया था, ये जो प्रोसेस के बारे में बताया था, ये वाटसन और क्रिक ने बताया था। वाटसन क्रिक ने ही क्या दिया था, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था, कि डीएनए दो हेलिक्स से मिलकर बना होता है। देखिए जैसे एक हेलिक्स ये रहा और एक ये रहा, तो दो स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, जो हेलिकली एक दूसरे में क्या रहते हैं, अरेंज रहते हैं। तो वाटसन क्रिक ने ये बताया था कि इस तरीके से होता है, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो दिया था वो दूसरे साइंटिस्ट मैथ्यू मिशेलसन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल इन्होंने दिया था। तो इसका जो क्या आता है कि मेन जो इम्पोर्टेंट बात आती है, आती है कि भाई ये तो बताया इन्होंने किस तरीके से होता है, लेकिन प्रयोगात्मक तरीके से एक्सपेरिमेंट करके जो प्रूफ किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होता है, मीन्स एक स्ट्रैंड पुराना है और एक नया आता है, ऐसा सच में है या नहीं, तो इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करके बताया। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया किसके, डीएनए जो है सेमी कंजर्वेटिव तरीके से रेप्लिकेट करता, अपनी कॉपी बनाता है। और ये किसने दिया था, मैथ्यू मिशेलसन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल। शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, क्वेश्चन आया था आपका मिशेलसन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, तो यही वाला भी, या फिर ऐसे पूछ रहे हैं आपसे कि मैथ्यू मिशेलसन और फ्रैंकलिन स्टॉल, मिशेलसन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट किस बात को प्रूव करता है, किस के लिए है, किस के लिए किया गया था, तो ऑप्शन में आपको मिल सकता है। तो वहां पे क्या मिलेगा कि सेमी कंजर्वेटिव को प्रूफ करने के लिए मिशेलसन और स्टॉल के द्वारा जो किया गया एक्सपेरिमेंट है वो है, ठीक है। तो इसके लिए मैथ्यू मिशेलसन का सेमी कंजर्वेटिव के लिए, आधा नया होता है आधा पुराना होता है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो इन्होंने किस तरीके से इसको प्रूफ किया था वो देखते हैं।
देखिए, तो इन्होंने एक डीएनए लिया इस तरीके, ऐसे मान लीजिए डीएनए है। अब इसको इन्होंने क्या किया, हैवी आइसोटॉप, कौन सा, नाइट्रोजन का 15, इसमें क्या किया, इसको लेबल कर दिया। इस लेबल का मतलब आप अगर भाई ये तो N15 है, लेकिन आप इसको समझने के लिए ऐसे मान सकते हो, मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से स्ट्रैंड है, डीएनए है, या मान लीजिए रस्सी है इस तरीके से, तो उसको आपने एक कलर में, एक रंग में, मान लीजिए लाल रंग है, तो लाल रंग के अंदर आपने इसको भिगो दिया, तो दोनों के दोनों स्ट्रैंड, ये वाला भी और ये वाला भी, कैसे हो गया, लाल रंग का हो गया। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि लाल रंग की जगह क्या है, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन कौन सा है, N15 है, हैवी आइसोटॉप है इसका, ठीक है। और ये किसके अकॉर्डिंग है, ये रेडियो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग नहीं है, ये डेंसिटी के अकॉर्डिंग है, ये डेंसिटी घनत्व के ऊपर है, ठीक है, भारी आइसोटॉप है, भारी, ठीक है, हैवी आइसोटॉप है। और भारी होता है तो क्या होगा, नीचे बैठ जाते हैं भारी चीजें, और हल्की कहाँ रहती है, ऊपर रह जाती है, ठीक है, तो ये डेंसिटी ग्रेडियंट के ऊपर है। तो इन्होंने इसको क्या कर दिया, लेबल कर दिया। लेबल करने के बाद में 20 मिनट का किया गया इंतजार किया, वेट किया, ठीक है। और ये सब काम और आईडीएन ने किसका यूज किया है, इकोलाई का किया है। इकोलाई क्या होता है, बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया का यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। और बैक्टीरिया जो इकोलाई का बैक्टीरिया है, वो लगभग 20 मिनट में अपनी कोशिका को विभाजित कर लेता है, सेल डिवाइड कर लेता है अपनी, ठीक है। तो 20 मिनट में अपनी कॉपी को भाई, उसमें कॉपी बन गई उसकी डीएनए की, उसकी सेल भी डिवाइड कर जाती है, पूरी पूरी कोशिका भी विभाजित हो जाती है। और कोशिका विभाजित होने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कि जेनेटिक मटीरियल, अनुवांशिक पदार्थ की का द्विगुणन, यानी कि उसकी एक तरह से डबल अमाउंट जो है, डबल होना, रेप्लिकेशन होना। जब डीएनए की अमाउंट डबल होगी, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में सेल का विभाजन भी हो जाएगा। तो क्या होगा, 20 मिनट में क्या होती है, इकोलाई सेल विभाजित करती है, उसका डीएनए भी क्या हो जाएगा, डबल हो गया, डीएनए भी क्या हो गया, डबल हो गया। ऐसे अब यहां पर देखते हैं, तो यहां से आप देखिए, तो एक पुराना रहेगा जिसमें क्या रहेगा, N15, और एक जिसमें रहेगा पुराना N15, ठीक है। और नया कौन सा आया है, ये आया है न्यू स्ट्रैंड, ये न्यू है और इधर ये न्यू है, ठीक। अब यहां पर क्या किया इन्होंने, N14 का यूज किया, तो ये हैवी है, ये इससे कम हैवी हो गया। अब यहां से N14 का यूज किया, तो जिसके ऊपर पहले से N15 था वो तो लेगा नहीं, जो खाली स्ट्रैंड थे वो N14 में क्या हो जाएंगे, N14 से लेबल हो जाएंगे। तो अब यहां से ये रहा एक पुराने वाला N15 मान लीजिए, इसको N15 मान लीजिए, और इसका एक क्या हो जाएगा, नए वाला, नए वाले में क्या डाला था, N14 डाला था। ऐसे ऐसे ही इसके भाई, इससे एक से दो बने थे, इन दो से कितने बनेंगे, चार बनेंगे, तो ऐसे ही ये वाला हो गया, ठीक है। और यहां पर फिर से क्या है, N14 का ही यूज किया गया है, ठीक है। तो यहां पर N14 और N14 ही आएगा, क्यों, क्योंकि इसको अगर आप देखते हैं तो ये देखिए N क्या है, 15 है, और ये क्या था, N14 का यूज किया गया था। अब N14 वाला जो डिवाइड करेगा तो वो तो N14 ही बनाएगा आगे भी, ठीक है, N14 ही रहेगा। देखिए इसको अगर और इजी और सिंपल तरीके से समझते तो कंटिन्यूअसली चेन बना के समझ सकते हो। देखिए इसको बनाइए एक चेन की तरह, तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब यहां से इसी को मैं खींच देता हूं लंबा करके, मान लीजिए ये ऐसे, ठीक है। अब यहां से N15 का किया, दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं, N15 है दोनों, ठीक। अब इनका क्या हुआ, नया स्ट्रैंड बन गया ऐसे, ये नया स्ट्रैंड आ गया ऐसे, ठीक है। अब ये नए स्ट्रैंड में हमने क्या यूज किया, N14 का यूज किया, तो N15 तो पहले से था ही ये वाला, अब इसमें क्या आ गया, N14, और नए वाला जो था, ठीक है, नए वाला इसमें भी क्या आ गया, N14, ठीक। अब यहां से ये N14
और N15 इस तरीके से क्या करेंगे आगे जाएंगे, तो इनका भी 20 मिनट लगे इसको डबल होने में, तो अगले 20 मिनट लगेंगे यानी कि शुरुआत से कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, तो 40 लिखा मिलेगा आपको। तो इस तरीके से ये रहा एक और ये रहा दूसरा, इसी तरीके से ये भी डबल हो जाएंगे, ऐसे बना लीजिए सिंबल। नया स्टैंड आएगा ऐसे, तो ये पहले देख लीजिए इसको, तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला कौन सा है, एन 14 है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 14। ये वाला कौन सा है, एन 15 है। ये वाला देखिए, ये वाला पीछे से आ रहा है देखो, तो ये क्या हो गया एन 15 हो गया और ये एन 14 हो गया, ठीक है। दोबारा से क्या किया, दोबारा से N14 आइसोटोप का यूज किया, तो नए जो स्टैंड बनेंगे वो भी कौन से हैं, N14 का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ से ये रहा N14, ये रहा N14 और ये N14 और इधर भी N14, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि N15 स्टार्टिंग से चला था, एक स्ट्रैंड में इधर आया एक में इधर आया, ठीक है। उसके बाद में दोबारा से जब आगे किया तो N14 और 15 का रेशियो क्या आता है, यहाँ से देखिए पूरा का पूरा N14 है दोनों स्ट्रैंड इसके, ठीक है। यहाँ पर क्या है N15 और N14, यहाँ पर भी क्या है N15 और N14, और ये दोनों कैसे हैं N14 के हैं। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रैंड पुराना होता है और एक स्ट्रैंड नया होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको सेमी कंजर्वेटिव फेज बोलते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट उस तरीके से बनाया था इसी को अगर और सिंपल करके करते हैं तो इस तरीके से आप सिंपली इसको समझ सकते हो, लंबा खींच के ऐसे समझ सकते हैं कि एक पुराना स्ट्रैंड होता है और एक नया स्ट्रैंड होता है, इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हैवी आइसोटोप का यूज किया था इनमें भाई, N15 और N14 का यूज किया था, बाद में क्या आया आपके ये 1 और इस तरीके से ये रेशो इस तरीके का आया है, ठीक है। इस तरीके से मैथ्यू मिसलसन और स्टोन ने जो है एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक, इसी को भाई अगर आप पढ़ेंगे इसको तो अलग तरीके से लगेगा आपको, लेकिन एक्चुअल में अगर इसे समझे तो काफ़ी आसान ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था सेमी कंजर्वेटिव फेज। अब देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है पूरी पूरी वो किस तरीके से होती है, ठीक है। जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन की उसको देख लेते हैं, तो डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। ये जो एक से दो बन रहे हैं, एक से दो बन रही है वो किस तरीके से होगा उसको देखते हैं, यानी कि मैकेनिज्म देखते हैं फॉर डीएनए रेप्लिकेशन की, एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मैकेनिज्म देख लिया इसे, तो मैकेनिज्म में डीएनए जो है उसकी कॉपी करना, ठीक है, डबल होना, उसके लिए क्या मैकेनिज्म है, तो इसको अगर सिंपल स्टेप्स में डिवाइड करते हैं तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले भाई डीएनए है, इस तरीके से डीएनए चला आ रहा है, अगर नया डीएनए इसके ऊपर बनना है उसी से, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, ये खोलना पड़ेगा, पहले सबसे पहले इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ सबसे पहले, तो क्या हुआ अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स की अनवाइंडिंग, यानी कि खुलेगा तभी, जब खुलेगा तभी तो इसके ऊपर नया जो डीएनए है वो बनेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। तो जो डीएनए डबल हेलिक्स है उसमें सबसे पहले क्या होगा, देखो खोलना है, अब अंदर क्या होता है डीएनए का अगर देखते हैं आप, तो डीएनए में क्या रहते हैं, डीएनए में यहाँ पर बीच में क्या रहते हैं, ए टी जी सी इस
तरीके से मिलते हैं, नाइट्रोजनस बेस रहते हैं। तो ये नाइट्रोजनस बेस जैसे ए डी जी सी ये यहाँ पर रहते हैं बीच में। तो ये जो बीच में ये वाले बॉन्ड है ये कैसे होते हैं, ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इनको तोड़ना पड़ता है। तो इनको तोड़ेंगे तभी तो क्या करेगा खुलेगा, जैसे सीढ़ी होती है सीढ़ी, ठीक है, जो बांस की सीढ़ी होती है इस तरीके से, अगर उसको आपको ऐसे खोलना है तो ये इसको तोड़ना पड़ेगा बीच के जो एंड है। तो बीच के क्या है, एक तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, इनको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ेंगे तभी तो ये खुलेगा, ठीक है, डीएनए तभी तो खुलेगा। तो इसके लिए एक एंजाइम का यूज होता है, एंजाइम कौन सा, डीएनए हेलिकेज। तो डीएनए हेलिकेज क्या करता है, ये ब्रेक कर देता है, ब्रेक द बॉन्ड्स, ठीक है, जो बॉन्ड है जो डीएनए डबल हेलिक्स के बीच में जो नाइट्रोजनस बेस है उनके बीच में जो बॉन्ड है उनको तोड़ देता है, ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड है इनको तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद में क्या हो जाता है, डीएनए क्या हो जाता है, सिंगल सिंगल ऐसे हो जाता है। ऐसे मान लीजिए रस्सी थी, रस्सी को क्या किया आपने, रस्सी को खोल के ऐसे कर दिया। अब खोलने के बाद में क्या होता है, अगर छोड़ दोगे तो दोबारा से कैसे हो जाएगी, बट जाएगी आपस में ऐसे। तो जब डीएनए इस तरीके से हेलिक्स अलग खोलते हैं इसको तो दोबारा से क्या होगा, दोबारा से आपस में घूम सकता है, ये एक घुमाव उसके अंदर होता है, सीधा सीधा नहीं रहता वो, होता है रस्सी के अंदर घुमाव। तो क्या बोलते हैं, रोटेशनल टेंशन। तो उसको रोटेशनल टेंशन जो घुमाव है उसमें ऐंठन, जो सिंपल भाषा में बोले तो ऐंठन बोलते हैं। तो रोटेशनल टेंशन, रोटेशनल टेंशन जो है उसको क्या करना है, उसको रिमूव करना है, हटाना है उसको। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक एंजाइम होता है टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमेरेज ये क्या करता है, ये रोटेशनल टेंशन को रिमूव कर देता है, तो हेलिकेज अनवाइंडिंग करता है और टोपो आइसोमेरेज रोटेशनल टेंशन को रिमूव करता है, ठीक है, रोटेशनल टेंशन को रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने के बाद में क्या होगा कि देखिए इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये एक तरह से ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से हो गया। अब ऐसा मान लीजिए ये डीएनए डबल हेलिकल था, मान लीजिए सीढ़ी की तरह ऐसे, ठीक है, यहाँ से डबल हेलिकल जो था हेलिकेज ने ब्रेक बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और इस तरीके से ये आ गया। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो बना है, ठीक है, कांटे की तरह स्ट्रक्चर ये लगता है, इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क इसको कहा जाता है, ठीक है, रेप्लिकेशन फोर्क कहा जाएगा। अब इस रेप्लिकेशन फोर्क में रोटेशनल टेंशन भी दूर हो गया, ठीक है। अब होगा क्या कि मान लीजिए कि भाई आपको पता है कि डीएनए जो होता है, डीएनए जो होता है उसमें क्या रहता है, 3, 5 और 3, 5 इस तरीके से क्या होता है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम मानते हैं ये रहा 3 और ये 5, ऐसे ही 3 और ये 5, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि डीएनए का जो सिंथेसिस होगा, जो बनेगा, वो हमेशा 5-3 डायरेक्शन में ही बनता है, 5-3 डायरेक्शन में ही बनता है, 5-3। अब देखिए जो भी स्ट्रैंड होता है वो एंटी पैरेलल होता है, यानी कि अगर ये स्ट्रैंड 5-3 है तो दूसरा स्ट्रैंड कैसा होगा, इसके उल्टा होगा, 3-5 होगा, तभी इनमें पेयरिंग हो पाती है, तभी पेयरिंग हो पाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से एंटी पैरेलल एक दूसरे के रन करते हैं, ठीक। तो ये क्या है, 3-5, यानी कि जो अगला बनेगा हम बोल रहे हैं कि सिंथेसिस डीएनए की 5-3 डायरेक्शन में ही होती है, याद रखिएगा। तो 5-3 कहाँ बैठ रहा है, 5 भाई इधर से 3-5 है, तो ये क्या करेगा, अगर इनको जोड़ते हो तो 5-3 कहाँ, ऐसे कहा ये 5 यहाँ पर आ जाता है ऐसे, तो क्या होगा, तो इधर से ऐसे बनेगा 5-3 ऐसे बन रहा है, लेकिन ये एकदम से ऐसे नहीं बनता। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो डीएनए है वो क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बहुलक है न्यूक्लियोटाइड का, और न्यूक्लियोटाइड
किससे बनी होती है? पेंटोशुगर फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। तो न्यूक्लियोटाइड जैसे दीवार, एक पूरी दीवार ईंटों से बनती है, तो एक एक ईंट लगानी पड़ती है, पूरी दीवार एकदम से खड़ी नहीं होती। ऐसे ही डीएनए भी क्या होगा, जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए बना रहे, तो कौन सी न्यूक्लियोटाइड? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स है, डीएनए की ईंट मान लीजिए, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, डीऑक्सीराइबो शुगर है, पेंटो शुगर, और जो है फॉस्फेट ग्रुप है और नाइट्रोजनस बेस है, तीन चीजें होती हैं। तो यहाँ से एक एक करके लगानी है, ये एक्टिवेट हो जाएंगी। और ये सारी सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है? अगर कोई पूछता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है, तो आप बोलोगे कि न्यूक्लियस में हो रहा है। कहाँ पर? न्यूक्लियस में। यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो न्यूक्लियस है, और प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो न्यूक्लियस नहीं है, वो सीधा साइटोप्लाज्म में। तो हमारे अंदर पूछता है, प्लांट के अंदर पूछता है, जो कि यूकैरियोटिक होते हैं, तो उसमें कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर हो रही, केंद्रक के अंदर हो रही है ये प्रोसेस, ठीक है। तो केंद्रक के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इनको क्या करते हैं, इनको सक्रिय कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं, और ये एक्टिव करके एक एक करके यहाँ पे लगना शुरू हो जाती है। कुछ उसी तरीके से जैसे एक मजदूर ईंट उठा के ऐसे ऊपर फेंकता है, ऊपर तो लगाने वाला जो कारीगर उसको देता है, वो एक एक करके लगाता है, तो इसी तरीके से जो मजदूर एक्टिवेट कर रहा है, इसी तरीके से एंजाइम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं जो इनको एक्टिवेट करते हैं, एक एक करके ईंट पे लगते चले जाते हैं। तो जो मिस्त्री, जो वो कारीगर जो लगा रहा है ऊपर ईंटे दीवार में, ठीक है, वो कौन है? वो यहाँ पर डीएनए को बनाने वाला एंजाइम आएगा, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, उसकी बात करेंगे। अच्छा, अब ये है कि जो ये न्यूक्लियोटाइड जो लगा रहे हैं यहाँ पे, ये हवा में तो रुकेंगे नहीं, जैसे अगर ईंट है कोई हवा में तो रुकेंगे नहीं, तो क्या नीचे एक बेस देना पड़ता है, छत डालते हैं जैसे, तो पहले एक सपोर्ट देनी पड़ेगी, उसके ऊपर डालते हैं, सूखने के बाद में सपोर्ट हटा दी जाती है। तो ऐसे ही हवा में तो लगे ही नहीं है, उसके पहले सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक सपोर्ट की तरह स्ट्रक्चर आता है यहाँ पर भाई, ये फाइव डायरेक्शन हो जाएगी, 5-3 ऐसे 5-3 में होता है। तो ये क्या होती है, क्या होती है, प्राइमर होता है, प्राइमर शुरुआत करने वाला, और कैसे होता है, आरएनए प्राइमर होता है। तो आरएनए प्राइमर पहले यहाँ पर लगता है, उसके बाद में न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड लगी, फिर दूसरी न्यूक्लियोटाइड लगी, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है, तो भाई अनवाइंडिंग थी, उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसके बाद में जैसे बोलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, चाहे आप उसी की प्रोसेस देख लें पूरी पूरी, या स्टेप भी देख सकते हो। दूसरा क्या जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर एंड एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, या सीधा देख सकते हैं, एक एक करके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ऐसे लगती चली जाएगी, ऐसे एक एक करके ऐसे लगती चली गई। तो कौन सी, 5-3 डायरेक्शन में हुई, 5-3 डायरेक्शन में हुई, ठीक है, समझ लें। और इसी तरीके से आगे चलती चली जाएगी, और ये स्ट्रेन ऐसे फटता चला जाएगा, ऊपर होता चला जाएगा, ठीक है, ये आगे चलता चला जाएगा, और ये ऐसे ब्रेक होते चले जाएंगे, इस तरीके चलता रहेगा। जैसे लकड़ी को फाड़ के ऐसे करते तब चीरती चली जाती है, तो ऐसे ये ऊपर चलता रहेगा, और ये ब्रेक ऊपर होते चले जाएंगे ऐसे। तो ये क्या है, 5-3 डायरेक्शन में हो रही है, ठीक, ये 5-3 डायरेक्शन में जो हो रही है, हमेशा याद रखिए 5-3 डायरेक्शन। अब यहाँ से, ठीक है, तो ये जो ये वाला स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ये हो गया, अभी नाम बताऊंगा इसका, दूसरे वाला स्ट्रैंड 5-3 कैसे बैठेगी भाई, ये अगर 5 डायरेक्शन, यहाँ पे 5 है, जाहिर सी बात, इधर क्या आएगा, 3 आएगा, और इधर क्या आएगा, इधर से क्या चलेगा, 5 चलेगा, इधर से 5 चलेगा ना, तो बड़ा करके बनाता हूँ, इधर से क्या 5 चलेगा यहाँ से। तो पहले क्या हवा में तो लगाया नहीं, पहले क्या लगाना पड़ेगा, प्राइमर लगा दिया, कौन सा, आरएनए प्राइमर। फिर क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड लगेगी, फिर दूसरी लगेगी, तीसरी लगेगी, ऐसे करते चलेंगे, जैसे लग रही थी ऐसे घर लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐसे जब करते चलेंगे, टूटता चलेगा, ये ऐसे चल रही है, ये इस तरीके से लंबी चलेगी, ये स्ट्रैंड टूट गया, तो ये क्या होगा, ऐसे बुलता चला जाएगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बुलता चला जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। तो इस तरीके से ये सिंथेसिस होते हुए आगे तक जा रही है, स्ट्रैंड फटता चला जा रहा है। और इधर की साइड से अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो
5-3 में ये तो कंटिन्यूअसली होता चला जाएगा, लेकिन जब हमेशा 5-3 डायरेक्शन में होती है तो 5-3 इधर हो रही है तो ये तो इस वाले स्ट्रैंड में तो क्या हो जाएगा, इसको और छोटा करके बनाओ तो ये तो कंटिन्यूअसली होता चला जाएगा ऐसे 5-3 डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन 5-3 इस वाले स्ट्रैंड में कैसे इस डायरेक्शन में, तो ये वाला खाली रह जाएगा नहीं रह जाएगा। उसके बाद में कुछ देर बाद में क्या होगा, कुछ देर बाद में नया आरएनए प्राइमर लगाना पड़ेगा इधर, जब स्पेस खाली हो जाएगा और फिर नया 5-3 डायरेक्शन में फिर इस तरीके से नया चलेगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो ये वाला स्ट्रैंड है स्पेस सिंथेसिस डीएनए की लगातार हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, तो उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और लीडिंग स्ट्रैंड पे डीएनए की सिंथेसिस कैसी होती है, कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये बीच बीच में क्या होगा, ऐसे होगी फिर रुक गई, फिर पीछे आरएनए प्राइमर लगेगा फिर बनेगा, फिर आरएनए प्राइमर लगेगा फिर बनेगा, इसमें क्या हो रहा है रुक रुक के हो रही है, इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, रुक रुक के हो रही डीएनए की सिंथेसिस, इसमें कैसी है कंटिन्यूअस नहीं है, इसमें डिसकंटिन्यूअस है, इसमें डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आपसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि कौन से स्ट्रैंड पे लगातार या कंटिन्यूअस होती है डीएनए की सिंथेसिस, तो लीडिंग स्ट्रैंड पे होती, क्यों होती है, क्योंकि 5-3 डायरेक्शन में चलती है और हमेशा उसको एक 3OH, ये 3 है, 3 पे OH ग्रुप होता है, 3OH ग्रुप उसको फ्री मिलता चला जाता है जुड़ने के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं लैगिंग स्ट्रैंड की तो उस पर डिसकंटिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमेशा क्या होता है उसको 5 एंड मिलेगा और 5 एंड, ठीक है, उसको 3 OH एंड नहीं मिलेगा और हमेशा एक नया आरएनए प्राइमर का यूज बार बार किया जाएगा। तो बार बार क्या किया जाएगा, आरएनए प्राइमर का यूज किया जाएगा। जब आरएनए मान लीजिए पूरा का पूरा ऐसे करके आखिरी में ऐसे आगे बीच बीच में क्या आ गया, ये ऐसे आरएनए बीच बीच में आरएनए प्राइमर आ गया ऐसे, ठीक है, और ये तो कंटिन्यूस था ही है, ठीक। अब आगे क्या होगा कि जब सिंथेसिस हो जाती है और ये सिंथेसिस एंजाइम कौन सा कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज का मतलब जो पॉलीमराइजेशन करेगा, बहुलीकरण करेगा जो डीएनए का, डीएनए को बनाएगा। अब जब पूरा डीएनए बन जाता है तो उसके बाद में क्या करते हैं भाई, जो छत बन जाती है पूरी सूख जाती है तो क्या करते हैं उस पर से सपोर्ट हटा लेते हैं। तो ऐसे ही क्या गई, यहाँ से सपोर्ट ये हटगी इस वाले से, तो यहाँ से ये हटेगी ऐसे, यहाँ से ये हटेगी, आरएनए प्राइमर हट गया इस तरीके से, तो बीच बीच में क्या हो गया भाई, ये टुकड़ों की फॉर्म में बना डीएनए, डीएनए जो है लैगिंग स्ट्रैंड पे टुकड़ों की फॉर्म में बन रहा है, क्योंकि जब प्राइमर यहाँ से हटा देंगे टुकड़े जो हैं ये जापानी साइंटिस्ट आर ओकाजाकी ने डिस्कवर किए थे, लेकिन इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स इनको कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स इनको कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से बनता है, और जब ये गैप रह जाते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इन गैप को में डीएनए की सिंथेसिस करता, गैप को फिल कर देता है, गैप को फिल कर देता है बाद में, और फिल कर देता है, और चिपकाने का काम जो करेगा, जो गोंद की तरह काम करेगा वो है लाइगेज, डीएनए लाइगेज क्या करेगा, सील कर देता है इन गैप को, सील कर देता है बिल्कुल, ठीक है, चिपका देता है। इस तरीके से पूरी पूरी डीएनए रेप्लिकेशन होती है, ठीक है। सिंपल भाषा में देखते हैं तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं वो आती हैं आपकी रेप्लिकेशन फोर्क, दूसरा आता है लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड, और तीसरा आता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो इनका आप ध्यान रखिएगा, जो डीएनए रेप्लिकेशन की जो पूरी पूरी मैकेनिज्म है उसको इसमें चीज ध्यान रखिएगा। तो ये था डीएनए रेप्लिकेशन की पूरी प्रोसेस, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि डीएनए आगे क्या चीज होगी, डीएनए से आगे क्या आएगा, कि रेप्लिकेशन हो चुका है तो डीएनए के रेप्लिकेशन से आगे क्या चीज आएगी।
बाद में अगला टॉपिक आता है आपका ट्रांसक्रिप्शन। और देखिए चीज क्या चलती है, एक चीज आती है सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा को देखिए पहले क्या है। सेंट्रल डोगमा में क्या होता है, डीएनए जो होता है डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है, जिसको एमआरएनए लिख दीजिए, और इससे बनती है प्रोटीन, ठीक है। यहीं पर हमने पढ़ा कि डीएनए क्या करता है, अपनी कॉपी दोबारा बना लेता है, जिसको क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक। और डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन, ठीक है। और एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, अनुवादन, ठीक है। इसको आप अगर कहें तो यहां से क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है इस प्रोसेस में, यानी कि प्रोटीन का निर्माण होता है। तो हमने क्या पढ़ा अभी, सेंट्रल डोगमा में डीएनए से आरएनए, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा अभी। अब क्या पढ़ना है, डीएनए से आरएनए बनना पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद में आरएनए से प्रोटीन का बनना पढ़ना है, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ना है डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, ठीक है। तो उसको देखते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन देखना है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से एमआरएनए बनना, इसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन है, इसको समझना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तीनों प्रोसेस जो सेंट्रल डोगमा में आती हैं, तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसक्रिप्शन जो होती है डीएनए से आरएनए का बनना, ये प्रोसेस भी कहां हो रही है भाई, अगर कोई सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो डीएनए से आरएनए वो भी यहीं पर, डीएनए से डीएनए यानी कि रेप्लिकेशन भी यहीं पर, डीएनए से आरएनए, आरएनए यानी कि ट्रांसक्रिप्शन भी यहीं पर होगी। लेकिन जो डीएनए से आरएनए से जो प्रोटीन बनती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, राइबोसोम के ऊपर होती है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रही है, ये भी न्यूक्लियस के अंदर हो रही है, यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो वहाँ पर साइटोप्लाज्म में कह सकते हैं सीधा सीधा हो गया। तो जो डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस, जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इसमें क्या होता है कि इसके लिए, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज था, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये आता है कि डीएनए के ऊपर डिपेंड करेगा और क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, आरएनए का बहुलीकरण करेगा, आरएनए को पॉलीमराइजेशन करेगा, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, सिंपली हम क्या बोल देते हैं, सिंपल छोड़ करके बोल देते हैं आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज भी क्या होता है, आपका तीन टाइप का होता है, और आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए जो होते हैं वो भी कितने तरीके के, वो भी तीन तरीके के होते हैं, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो भी तीन तरीके के होते हैं, इसलिए जो ये आरएनए तीन तरीके होते हैं, इसलिए एंजाइम भी कितने तरीके के, तीन तरीके के आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखिए आर आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए आएगा, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एचएनआरएनए, हेटरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, जिससे बाद में क्या बन जाएगा,
एमआरएनए बन जाएगा मैसेंजर आरएनए, और तीसरे से बनता है टीआरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। तो ये मेजर तीन कैटेगरी है, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो इन तीनों से क्या होता है, इन तीनों से ये बनता है, ठीक है। ये जो है प्रोसेस इन तीनों जो डीएनए एंजाइम है इनसे होता है, ठीक है। अब इन तीनों का जो रोल आएगा, रोल की अगर बात करते हैं, तीनों जो है आरएनए हैं उनकी जो रोल है, अब जैसे बोलते हैं कि हाँ ये आरआरएनए है, ठीक है। आरआरएनए जो है स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल, कैटालिटिक रोल होता है इसका। स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल मतलब क्या है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, अनुवादन जब होता है ट्रांसलेशन, तब ये क्या करता है, तब ये उस जगह को प्रोवाइड करा रहा है, साथ में क्या कैटालिटिक एंजाइम की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए, जो मैसेंजर आरएनए होते हैं वो क्या करते हैं, वो टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि किस जिस पे सूचनाएं होती है, इंफॉर्मेशन होती है जिनके अंदर। और टीआरएनए जो होता है ये क्या करता है, ये अमीनो एसिड को लेके आता है, ये अमीनो एसिड्स को लेके आता है प्रोटीन का फॉर्मेशन, निर्माण जब होता है तब ये अमीनो एसिड को लेके आता है, क्योंकि प्रोटीन किससे बनी होती है, अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो खैर इनका जब प्रोटीन सिंथेसिस आएगी तब इनको और डिटेल में बताएंगे, अभी हल्का सा टॉपिक आया कि मैंने बता दिया, ठीक। तो ट्रांसक्रिप्शन वापस आते हैं यहाँ पर, तो मेन एंजाइम कौन सा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। अब जैसे डीएनए की हमने बात की थी, अभी जैसे डीएनए है ये, ठीक है, इस तरीके से क्या होते हैं इसमें बीच में नाइट्रोजनस बेस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मान लीजिए कि इनमें से एक स्ट्रैंड ये है डीएनए का, इस डीएनए स्ट्रैंड, भाई देखिए ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के दो स्ट्रैंड काम में नहीं आते, सिर्फ एक से ही होगा। अब जैसे रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड से रेप्लिकेशन हो रहा था, इसमें ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक ही स्ट्रैंड एक बार में आरएनए बनाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये वाला स्ट्रैंड, ऊपर वाला स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा, तो उसको बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट, और दूसरे वाले को बोलते हैं कोडिंग, कोडिंग बोल दीजिए या फिर नॉन टेम्पलेट बोल दीजिए, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। और यही क्या है आपका, कोडिंग भी है, यही कैसा है, कोडिंग है। कैसे समझेंगे इसको, मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा ए टी 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 जी सी ए, इस तरीके से लिखा, ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा। और यहीं पर अब नीचे देखते हैं, ठीक है, यहीं पर हम नीचे देखते हैं, तो इसी का, इसी कॉम्प्लीमेंट्री, भाई ए हमेशा किससे जुड़ता है, ए डी से, और जी किससे जुड़ता है, सी से जुड़ता है, ठीक है। तो ए क्या जाएगा, टी टी से ए, ए ए जी से कौन, सी जी और डी, इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से बेस पेयरिंग होती है। अब अगर मान लीजिए कि अगर आरएनए बनना है और इस वाले स्ट्रैंड से बनना है, तो उसके बेस सीक्वेंस क्या होंगे, भाई आरएनए में सेम जैसे डीएनए में होते वैसे आरएनए में होते, लेकिन क्या होता है, टी की जगह यू होता है, थायमिन की जगह यूरेसिल। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगी, ए से क्या होगा, ए से टी जुड़ता है, लेकिन टी की जगह आरएनए में क्या होता है, यू, तो यहाँ पर यू आ जाएगा, ए का ए आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और सी की ये जी है, तो यहाँ सी, यहाँ पर सी, और यहाँ पर ए से कौन जुड़ता है, टी, लेकिन टी की जगह यू, तो ये क्या होगा, ये आरएनए का होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं, तो इस वाले स्ट्रैंड को हमने कोडिंग बोला था, क्योंकि ये क्या कर रहा है भाई, चलो ये क्या है, नॉन टेम्पलेट, इससे क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है ये वाला, इससे हो रहा है, ठीक है। इस वाले में अगर आप कोड चेक करते हो तो अप्रोक्सीमेट इसके इसके साथ में, मान लीजिए ये 5-3 है, ठीक है, ये 3, ये 5-3, ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये भी कैसा हो जाएगा, ये 3-5 हो जाएगा,
ठीक है, तो हम बोलते हैं इस वाले से मैच करेंगे इसके बेस, सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, इसके इस वाले से मैच करेंगे, बस टी की जगह क्या होगा यू आ जाएगा। तो इस तरीके से आपसे बेस भी पूछ सकते हैं ऐसे, ठीक है, बेस पूछ सकते हो। ये भी याद रखिएगा कि टेम्पलेट के पूछे हैं उसने, इसका हमारे ने क्या होगा कि नॉन टेम्पलेट का पूछा है, कि नॉन टेम्पलेट के अकॉर्डिंग जो है, जो खैर ये तो दोनों के अकॉर्डिंग यही आएगा, तो ये चीज़ जो है ये बनाना आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं, प्रोसेस किस तरीके से चलती है इसकी, आर एन ए की जो प्रोसेस चलेगी बनने की वो किस तरीके से चलती है। तो देखिए इसमें तीन स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको, तीन स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से हैं वो है आपके इनिशिएशन, लोंगेशन और टर्मिनेशन, ठीक है। तो इनिशिएशन की देखते हैं, तो इनिशिएशन में क्या रहेगा भाई, शुरुआत करना। अब मान लीजिए कि डीएनए है, ये रहा डीएनए, तो डीएनए में शुरुआत करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जो पहले वाला है इसको बोलते हैं प्रोमोटर रीजन, प्रोमोटर रीजन, ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन, और ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटर हो जाएगा, टर्मिनेटर रीजन हो जाएगा। यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी, यहाँ से बनना शुरू होगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो देखिए प्रोमोटर, प्रोमोटर में क्या होता है, प्रोमोटर रीजन में जो आरएनए पॉलीमरेज है भाई, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आरएनए को बनाएगा। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, वो मान लीजिए टेम्पलेट स्प्रेड, ये ऊपर वाला है, ये क्या है टेम्पलेट स्प्रेड है, इस पर क्या हो जाएगा बाइंड हो गया, ये आरएनए पॉलीमरेज इस पर क्या हो गया बाइंड हो गया। इसमें बाइंड होने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए जो आरएनए पॉलीमरेज है इसका स्ट्रक्चर देखिए पहले, तो आरएनए पॉलीमरेज में क्या रहता है, एक तो कोर प्रोटीन होती है और एक होता है सिग्मा फैक्टर, क्या होता है सिग्मा फैक्टर होता है। ये सिग्मा फैक्टर का रोल पूछ लेते हैं, तो सिग्मा फैक्टर का रोल होता है रिकॉग्निशन में, रिकॉग्निशन मतलब कि भाई इनिशिएशन के लिए, शुरुआत करने के लिए स्ट्रैंड को पहचानना कि कहाँ से शुरुआत करनी है, उसके लिए जो पहचान करनी है वो पहचान करने के लिए सिग्मा फैक्टर यूज होता है, याद रखिएगा सिग्मा फैक्टर का यूज पूछते हैं, ठीक है। तो इसकी पहचान से क्या होगा, यहाँ पे बाइंड कर गया, तो बाइंड करने के बाद में क्या होगा, अब जैसे डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए थी, यहाँ पर राइबो न्यूक्लियोटाइड चाहिएगी, यानी कि आरएनए की न्यूक्लियोटाइड चाहिएगी। तो ऐसे ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा, मान लीजिए अब यहाँ था, अब यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या स्ट्रक्चर, अब क्या होगी इलोंगेशन हो जाएगी। तो इलोंगेशन में क्या हो जाएगा, एक एक करके यहाँ से न्यूक्लियोटाइड आती रहेंगी इसके पास में, और ये क्या करता चलेगा, ये इनको बनाता चलेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, मान लीजिए इसने यहाँ तक आगे बनाता हुआ, इस तरीके से आरएनए बनता चला जाएगा, इसके इसके अकॉर्डिंग बनता चला जाएगा, इस तरीके से चेन की तरह से बनता चला गया आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आने के बाद में क्या रहता है, इसी पे एक रो फैक्टर होता है, ठीक है, रो फैक्टर होता है जो कि क्या करता है, टर्मिनेशन का काम करता है। तो यहाँ पर क्या होती है, टर्मिनेशन दो तरीके से होती है, जैसे सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन स्टार्ट करता है, शुरुआत करता है, इसी तरीके से जो जो ये क्या नाम है, जो रो फैक्टर होता है, रो फैक्टर इसको समाप्त कर देता है कि हाँ कंप्लीट सफिशिएंट लेंथ का आरएनए बन चुका है। तो यहाँ से आएगा, यहाँ पर आने के बाद में जब रो फैक्टर होता है, तो रो के द्वारा जब होगा तो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन कही जाएगी। तो रो फैक्टर जब आता है, मान लीजिए यहाँ पर आ गया आरएनए पॉलीमरेज, ऐसे जैसे चैन होती है इस तरह बंद होती चलती है, इस तरीके से यहाँ पर पहुँच गए। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद में अभी रो फैक्टर यहाँ से अटैच हो जाएगा, रो फैक्टर इसके साथ में, और इसको क्या कर देगा, आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ से हटा देगा,
ये चेन को आरएनए जो आरएनए बना हुआ था इसको अलग कर देगा यहाँ से, ये फ्री हो जाएगा आरएनए, आरएनए जो है डीएनए से फ्री हो जाएगा बिल्कुल, और ये आरएनए पॉलीमरेज भी अलग हो जाएगा। तो रो फैक्टर पे दोबारा हुई तो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन बोला जाएगा, और कभी कभी क्या होता है कि रो फैक्टर के बिना ही हो जाती है। तो यहाँ पर रो फैक्टर के बिना क्या होती है कि जो आरएनए है इस तरीके से ये हेयर पिन की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इसकी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ से ये आगे नहीं जा पाता और यहाँ से आरएनए रिलीज हो जाता है। यहाँ से रो फैक्टर के बिना होती है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन बोलते हैं, जो रो फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ये होता है आपका, ठीक है, ये है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये आती है आपकी ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये आती है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। तो तीन प्रोसेस में डिवाइड थी, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या था, पहचानना है, पहचानने का काम कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज़ पे जो सिग्मा फैक्टर है वो। दूसरा जो है इलोंगेशन, इलोंगेशन किसके द्वारा, भाई आरएनए पॉलीमरेज़ चलेगा आगे वो इलोंगेशन करेगा। उसके बाद में टर्मिनेशन, टर्मिनेशन के लिए कौन सा फैक्टर था, रो फैक्टर था, रो फैक्टर था, ठीक है, रो फैक्टर था। अब यहां पर चीज ये आती है कि भाई डीएनए से बना क्या, डीएनए से एमआरएनए बना, ठीक है। अगर प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक में पॉली सिस्ट्रोनिक एमआरएनए बनता है, और अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में मोनोसिस्ट्रोनिक की एमआरएनए बनता है। अब ये मोनोसिस्ट्रोनिक पॉलीसिस्ट्रोनिक क्या है, भाई सिस्ट्रोन होते हैं, पॉली मतलब क्या है बहुत सारे, सिस्ट्रोनिक मतलब क्या है सिस्ट्रोन, और सिस्ट्रोन क्या होती है, सिस्ट्रोन होती है भाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है जो कोड करती है बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे अमीनो एसिड के लिए अलग अलग जो कोड करने के लिए बोलते हैं, ठीक है भाई। अगर एमआरएनए या सिंपल आप बोल सकते हैं, मान लीजिए एमआरएनए तो एक है, एमआरएनए एक है और ये क्या करता है अलग अलग तरह की प्रोटीन बनाता है, मान लीजिए प्रोटीन वन, प्रोटीन टू, प्रोटीन थ्री, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन जब अलग अलग तरीके की, अलग अलग तरीके की जब ये बनाती है, जब मतलब प्रोटीन बनाती है तब क्या बोलते हैं इसको, तब इसको पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए कहते हैं। दूसरा आता है मोनोसिस्ट्रोनिक, तो मोनोसिस्ट्रोनिक में क्या होता है, जैसे एमआरएनए है, ठीक है, ये एमआरएनए है और इससे क्या होगा केवल एक ही टाइप की प्रोटीन जब ये बनाता है तो ऐसा क्या होता है, एक सिस्ट्रोन है, तो मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए इसको कहा जाता है, ठीक है, मोनोसिस्ट्रोनिक आरएनए इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो रही नॉर्मल इसकी बात, लेकिन जो आरएनए जो बनता है, जो आरएनए बनता है, ठीक है, जो आरएनए बनता है यहां पर, अब देखिए, अब जैसे डीएनए से क्या बोला हमने कि आरएनए डीएनए से एमआरएनए बना, अब ये जो एमआरएनए है, ये जो एमआरएनए है अगर प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है तो प्रोकैरियोटिक में तो एक्टिव रहता है, यानी कि फंक्शनल होगा, फंक्शनल का मतलब क्या होता है कि जो प्रोटीन बना सकता है, लेकिन यूकैरियोटिक जैसे हमारे में ये इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव मतलब नॉन फंक्शनल होता है, नॉन फंक्शनल होता है यानी कि
इनएक्टिव होगा, यानी कि प्रोटीन नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि मान लीजिए अगर ये आरएनए है तो आरएनए में क्या रहते हैं भाई, कुछ कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। कोडिंग मान लीजिए जो मैं डॉट बना रहा हूँ ये कोडिंग सीक्वेंस है और जो खाली वाले हैं वो नॉन कोडिंग है। तो ये जो कोडिंग कोडिंग सीक्वेंस मतलब ऐसे सीक्वेंस जो प्रोटीन बना सकते हैं, जिनके पास में सूचनाएं हैं, आरएनए से प्रोटीन बना सकते हैं। और ये कैसे हैं? ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस हैं जो किसी काम के नहीं हैं, बीच बीच में पाए जा रहे हैं। और ये जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस को बेकार करते हैं, काम में नहीं आती है, आरएनए को इनएक्टिव कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो इनएक्टिव आरएनए इसको क्या बोलते हैं, एच एन आर एन ए, स्मॉल हिट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, जो कि यूकैरियोटिक में डीएनए से आरएनए जो बना है वो इसी तरीके से बनता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में पूरा सही बनता है, उसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं होते। इन कोडिंग सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, एक्सॉन्स बोलते हैं। और नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो बीच बीच में इनको क्या बोलते हैं, इनको इंट्रॉन्स बोलते हैं, इंट्रॉन्स बोलते हैं। तो इस डीएनए आरएनए को एक्टिव बनाने के लिए इन इंट्रॉन्स को बाहर निकालना पड़ता है। तो बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें भाई एक्टिव बनाना है तो इनको निकालना है। तो निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप आ जाएगा स्प्लाइसिंग, एक्टिव बनाना है तो स्प्लाइसिंग बोलते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, फोल्ड करके जो नॉन कोडिंग सिक्वेंस है इस तरीके से क्या होगी, मान लीजिए ये कोडिंग सिक्वेंस है और नॉन कोडिंग सिक्वेंस तरीके से फोल्ड हो जाएंगे ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, ये कोडिंग है बीच में और ये नॉन कोडिंग, इस तरीके से फोल्ड होके यहाँ से ये तो निकल जाएंगे बाहर, यानी कि ये तो निकल गए इस तरीके से बाहर, और सिर्फ क्या हो जाते हैं पूरी इसमें कोडिंग सीक्वेंस आ जाता है। इस तरीके का बना हुआ जो है वो एक्टिव एमआरएनए कहलाता है। तो पहले वो एचएनआरएनए कहलाता है इनएक्टिव, लेकिन बाद में एक्टिव होके एमआरएनए कहलाता है। अब ये एमआरएनए क्या करता है, ये न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर आता है जहाँ पर क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये चीज़ होती है। तो इसके अलावा भी और चीज़ें हैं, एक तो चीज़ ये होगी, साथ में क्या होती है, साथ में कैपिंग और टेलिंग होती है। ठीक है, जो कैपिंग और टेलिंग है वो क्या है उसको देखते हैं। तो जो कैपिंग और टेलिंग है तो इसमें क्या रहती है, 5 एंड पर मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको क्या है, ये क्या है, 5 एंड पर 5 एंड, मान लीजिए इधर 5 है और इधर 3 है, तो यहां पर क्या होगा, ये मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहां पर अटैच हो जाएगी। बिना इसके आरएनए प्रोटीन नहीं बना सकता, तो इसका जुड़ना बहुत जरूरी है 5 एंड पर। इसी तरीके से 3 एंड पर क्या होती है, टेलिंग होती है, यानी कि टेल, जैसे हेड जोड़ दिया, कैप जोड़ दी, इसी तरीके से टेल जोड़नी पड़ती है। ठीक है, और टेल के लिए जैसे वो इसको बोलते हैं कैपिंग, मेथाइल गुआनोसिन जुड़ा, यहाँ पर क्या जुड़ता है, एडिनिलेट रेसिड्यूज। ठीक है, एडिनिलेट रेसिड्यू यहाँ पर 3 एंड पर जोड़ने पड़ते हैं। अब स्प्लाइसिंग हो गई, कैपिंग हो गई और टेलिंग हो गई, यहाँ पर क्या होगी, टेलिंग हो गई। ये करने के बाद में अब ये एमआरएनए पूरा एक्टिव होता है, अब ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। और अब क्या करेगा, जैसे सेल की सेल में न्यूक्लियस है, सारे काम न्यूक्लियस में, अभी न्यूक्लियर कोर से बाहर होके जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर आकर अटैच होगा और प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आती है यहाँ पर। तो ये क्या हुआ, यहाँ से ये आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस हुए, जिसके अंदर स्प्लाइसिंग हुआ, जिसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस जिनको बोलते हैं एक्सोन उनको बाहर निकाला, सिर्फ इंट्रॉन को जोड़ के रखा, और बाद में कैपिंग और टेलिंग हुई। कैपिंग में मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट 5 एंड पर जुड़ेगी और 3 एंड पर क्या जुड़ेगा, एडिनिलेट रेसिड्यू, 200-300 बेस पेयर्स ये होते हैं, जुड़ते हैं यहाँ से। ये जुड़ने के बाद में पूरा का पूरा एमआरएनए का बैक्टीरिया
ऑलरेडी होता है, अब ये बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है, यूकैरियोटिक है तो साइटोप्लाज्म में आएगा और वहाँ पर उपस्थित जो राइबोसोम है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है उन पर अटैच होगा, राइबोसोम के ऊपर साथ में अटैच होगा उनके, और वहाँ पर ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण प्रक्रिया पूरी होगी, ठीक है, ये चीज आते हैं। तो अगला ये तो हुआ आपके इसके बारे में, ठीक है, और आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, तब जाके आपको पूरा पूरा प्रक्रियाएं क्लियर हो जाएंगे, ये क्वेश्चन जो है लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से ही बनते हैं, ठीक। तो ये तो रही आपकी ये, अब आगे जब हम बात करते हैं इसके थोड़ा सा और, तो देखिए यहाँ पर कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस की बात चल रही थी, तो इनको कोड को पढ़ लेते हैं, कोड क्या होते हैं, ठीक है, कोड क्या होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जेनेटिक कोड, ठीक है, देखिए हमारे पास में ए टी जी सी, टी की जगह यू, ठीक है, और आरएनए की बात कर रहे हैं हम, तो आरएनए में क्या होगा, ए यू जी सी, टी की जगह क्या है, यू है, तो आपके चार, ये चार बेस जो है प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, चार बेस जो है आपके प्रेजेंट रहते हैं, तो जॉर्ज गैमो, जॉर्ज गैमो एक साइंटिस्ट, इन्होंने क्या कहा कि ये चार जो है ये चार बेस की हमारे जो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट जो 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए, 20 अमीनो एसिड जो होते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं ये, ठीक है, और ये जो है तीन तीन के ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं, मान लीजिए जैसे ए यू जी, ठीक है, यू ए सी, यू जी सी, तो इस तरीके से ये क्या होते हैं तीन तीन के ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं, इन तीन तीन के ग्रुप को ये क्या बोलते हैं, हम कोडोन बोलते हैं, कोडोन कहते हैं, ठीक है, और इस तरीके से जब सिक्किक करते हैं तो ये टोटल कितने, 4^4^3 यानी कि 64, टोटल 64 कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि 64 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 64 में से जो 61 तो किसी ना किसी प्रोटीन अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं तो ये कोडोन कहलाते हैं, और जो तीन होते हैं, तीन क्या है, किसी के लिए कोड नहीं करते, ये रोक देते हैं, तो इनको स्टॉप कोडोन्स बोलते हैं या फिर इनको एंटी कोडोन्स भी कहते हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये तीन तीन की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं और इन कोडोन के पास में क्या रहती है, अलग अलग अमीनो एसिड के लिए सूचनाएं रहती हैं, जैसे हम बोलते हैं कि भाई चने का बीज है तो चने के बीज से चने का पौधा उगेगा, मूली के बीज से मूली का उगेगा, ऐसे ही गोभी के बीज से गोभी का होगा, चावल से चावल का, गेहूँ के गेहूँ का, तो इनके पास में इंफॉर्मेशन होती है उस बीज में अपने पौधे के लिए, ऐसे ही हर एक कोड में क्या रहता है, तीन के सेट में हर एक अमीनो एसिड के लिए इन्फॉर्मेशन सूचनाएँ होती है कि कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, और उन अमीनो एसिड के मिलने से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, तो इनमें क्या रहती है, इन्फॉर्मेशन रहती है अलग अलग अमीनो एसिड्स के लिए, तो इनको क्या बोलते हैं हम, इनको कोडोन्स बोलते हैं, टोटल 64 इसमें तीन जो है किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते बल्कि ये रोक देते हैं प्रोटीन के निर्माण को, स्टॉप कोडोन या फिर एंटी कोडोन इनको कहते हैं, ठीक है, ये कौन कौन से हैं, यू ए ए, यू ए जी, यू जी ए, तो ये तीन हैं, इन तीन को आप याद रखिएगा, ये जो है एंटी कोडोन, बाकी सोच याद रहे ना रहे लेकिन स्टॉप कोडोन याद जरूर रहे, यू ए ए, यू ए जी, यू जी ए, ये तीन है एंटी कोडोन, किसी के लिए कोड नहीं करते, और ये क्या है 61 क्या होते हैं, कोडोन होते हैं, ठीक है, अब इनमें क्या है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो पहली बात क्या होती है कि ट्रिपलेट होते हैं, भाई कोडोन क्या है, ट्रिपलेट है, यानी कि तीन तीन नाइट्रोजनस बेस के ये ग्रुप होते हैं, तीन तीन न्यूक्लियोटाइड के क्या है, ग्रुप है, ट्रिपलेट है,
ठीक है, जिनको सीधा सीधा पढ़ा जाता है, कोई कोमा कोई स्पेस गैप किसी के द्वारा नहीं, सीधा पढ़ता है एयूजी यूएसी, इस तरीके से सीधा पढ़ते हैं, कोई पंक्चुएशन वगैरह का यूज नहीं करते, ठीक है। उसके बाद में यह है कि एक एक कोडोन, एक कोडोन क्या करता, हमेशा एक ही टाइप के ठीक है, एक ही टाइप के अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, एक ही टाइप के अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, अनएम्बिगुअस अनएम्बिगुअस या स्पेसिफिक बोलते हैं। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक अमीनो एसिड केवल एक कोडोन केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, जैसे एयूजी है, एयूजी मिथियोनिन एक अमीनो एसिड है, इसी को कोड करेगा, इसके अलावा जो सीरीन आइसोल्यूसीन फिराइल एलेनिन इनको किसी और को कोड नहीं करेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी को अनएम्बिगुअस या स्पेसिफिक बोलते हैं। दूसरा आता है कि एक अमीनो एसिड जो है एक या एक से अधिक कोडोन द्वारा कोडित हो सकता है, जैसे मत देखिए डिफरेंस है पहले और दूसरे पॉइंट में लगेगा नहीं, अब एक ने इसको किया, अब जैसे हम बात करते हैं यू यू सी ये दोनों किसके लिए, फिनाइल एलेनिन के लिए करते हैं, तो अगर आपसे पूछते हैं पहला पॉइंट में यू 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 किसके हो, हमेशा फिनाइल एलेनिन को करेगा, लेकिन फिनाइल एलेनिन जो है इससे भी या किसी और यानी कि एक से ज़्यादा कोडोन से कोडित हो सकती है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीजनरेट बोलते हैं। याद रखिएगा अनएम्बिगुअस एक अमीनो एसिड एक कोडोन केवल एक अमीनो एसिड को कोड करता है, और डीजनरेट में क्या होगा कि एक अमीनो एसिड बहुत सारे एक से ज़्यादा कोडोन से कोडित हो सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में एक और पॉइंट की बात करते हैं, उस पर यहाँ पर लिख देता हूँ, तीसरा पॉइंट जो चौथा पॉइंट जो है इसमें, तो वो आ जाएगा कि कोडोन जैसे एयूजी है ये लिखा हुआ है, तो क्या करता है ड्यूअल फंक्शंस को शो करता है, दो फंक्शंस को शो करता है, दो फंक्शन कौन कौन से, पहला फंक्शन क्या हो जाएगा कि ये अमीनो एसिड मिथियोनिन को कोड कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन है, प्लस दूसरा फंक्शन इसका क्या है, ये इनिशिएटर कोडोन है, ठीक है, इनिशिएशन कोडोन है, यानी कि जब भी प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण होगा तो उसमें सबसे पहले जो शुरुआत करेगा वो एयूजी करेगा, वो कौन करेगा, एयूजी करेगा, लंबी सी प्रोटीन चेन है उसमें पहला सीक्वेंस क्या होगा, मिथियोनिन अमीनो एसिड होगा, और मिथियोनिन के लिए जो कोड करता है वो एयूजी होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये जेनेटिक कोड है, क्या है, ये जेनेटिक कोड है, इनको याद रखिएगा, ठीक है, इनको आप याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद के जो टॉपिक आते हैं आपके, जैसे जेनेटिक कोड हुआ, आगे अगर देखते हैं तो आपका जैसे इसी के ऊपर आता है प्रोटीन सिंथेसिस आता है, ठीक है, तो उसी को पढ़ लेते हैं, जेनेटिक कोड के ऊपर ही है बिल्कुल, बीच में जो है आपकी म्यूटेशन रह जाता है, थोड़ा सा पार्ट है, छोटा सा एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में, राम हैज रेड गैप इस तरीके से, फिर राम हैज बिग रेड गैप इस तरीके से एग्जाम्पल दिया है, उसको पढ़ सकते हैं आप, छोटा सा टॉपिक है। तो इसके ऊपर क्या है आपका, भाई डीएनए से आरएनए पढ़ा था, अब आरएनए से क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे, तो प्रोटीन के लिए जेनेटिक कोड का जानना जरूरी था, जेनेटिक कोड हमने
पढ़ लिए। अब क्या आएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस आएगा, यानी कि ट्रांसलेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनने को बोलते हैं ट्रांसलेशन, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस बोल सकते हैं आप इसको। इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें, सबसे मेन राइबोसोम चाहिए, फिर एमआरएनए चाहिए, ठीक है, इनिशिएशन एंड इलोंगेशन फैक्टर चाहिए, ठीक है। चलिए इस तरह डिटेल में नहीं जाते, आप मेन चीज याद रखिए ये चाहिए और कुछ एंजाइम चाहिए। प्रोसेस ट्रांसलेशन भी कहाँ होती है, न्यूक्लियस से बाहर साइटोसोल बोल रहे या साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म बोल लीजिए, कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। जैसे रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन कहाँ पर हो रही थी, न्यूक्लियस के अंदर, और ये कहाँ होती है, न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में होती है। एमआरएनए कहाँ, बाहर आ जाता है। तो मान लीजिए कि जैसे ये रहा राइबोसोम, तो राइबोसोम अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मान लीजिए यूकैरियोटिक की, यूकैरियोटिक में कैसा होता है, 80S होता है, 80S राइबोसोम होता है यूकैरियोटिक में, जिसमें 60S बड़ी यूनिट और 40S छोटी यूनिट होती है, ठीक है ना, छोटी यूनिट होती है इस तरीके से, ठीक है। इसको क्या है, उल्टा करके बना लेते हैं, मान लीजिए इस तरीके से ये बड़ी यूनिट है और ये छोटी यूनिट होगी, ठीक है, छोटी कौन सी है, 40 और बड़ी 60, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एमआरएनए आता है इसमें, ठीक है, एमआरएनए इस तरीके से क्या होता है, इस पर अटैच करता है एमआरएनए, और एमआरएनए में क्या रहते हैं, एमआरएनए पे इस तरीके से कोड लगे होते हैं, जैसे मान लीजिए ए यू जी यू 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 सी इस तरीके से लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे लगे हुए हैं अलग अलग। अब होता क्या है, इसमें क्या रहता है कि भाई तीन स्टेप इसमें भी आएंगे, इस प्रोसेस में भी, कौन कौन से, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। लेकिन इससे पहले एक स्टेप आता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है, टीआरएनए की चार्जिंग। अभी चार्जिंग क्या है, अब टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आएगा, इसमें मान लीजिए टीआरएनए है, ये इसका 3 एंड ये इसका 5 एंड, तो टीआरएनए क्या करता है, इसको जगह स्तंभ है यहाँ बना देता हूँ, अब जैसे ये टीआरएनए है, ये 3 एंड ये 5 एंड, ठीक है, अब इस पे क्या होता है कि अमीनो एसिड आएगा पहले, और अमीनो एसिड को क्या होना है, अमीनो एसिड को इसके ऊपर अटैच होना है। तो इसके लिए क्या रहते हैं, इसके लिए यहाँ पर मान लीजिए ये अमीनो एसिड है, और पहला अमीनो एसिड तो कौन सा आएगा, मेथियोनिन ही आएगा, तो आप पहला लिखे या फिर अमीनो एसिड 1 लिख लें, ए मतलब अमीनो एसिड पहला है, ठीक है, सभी अमीनो एसिड ऐसे ही आएंगे। साथ में क्या रहता है, साथ में आपके जो है यहाँ पर एटीपी एनर्जी का यूज होगा, जिस जो कि 2 फॉस्फेट इसमें से बाहर निकल जाएंगे। अब भाई जब एटीपी में से ट्राइफॉस्फेट है, अब आपने 2 फॉस्फेट बाहर निकाल दिए, तो क्या बचेगा, एएमपी बचेगा नहीं बचेगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बचेगा नहीं बचेगा, तो यहाँ से ये निकाल दिया आपने, तो 2 फॉस्फेट आप यूज कर रहे हैं इसमें, प्लस साथ में क्या है, एंजाइम करता है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, ये एंजाइम लगता है यहाँ पर, और इस एंजाइम को ये हम ई सिंबल लिख लेते हैं यहाँ से, तो क्या होगा, अमीनो एसिड एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये इसके ऊपर लगेगा और यहाँ से जो एएमपी बचा था वो बाहर, एंजाइम ये एम भाई फॉस्फेट यूज होगी थी,
एएम भी बाहर आ गया, एंजाइम भी बाहर आ गया, लेकिन अमीनो एसिड इसके ऊपर यहाँ पर ये अटैच हो गया। तो ये क्या हो गया, ये अमीनो एसाइल टीआरएनए कहलाता है। और इस तरीके से अमीनो एसिड का टीआरएनए पे अटैच होना ही क्या कहलाता है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहलाता है। तो इस तरीके से टीआरएनए के ऊपर क्या जाती है, अमीनो एसिड आ जाता है, सारे अमीनो एसिड इस तरीके से चिपकेंगे। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या रहती है, दो साइड रहती है, एक होती है ए साइड, एक होती है पी साइड, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, इस तरीके से ए साइड है और ऐसे ही ये पी साइड है। तो ऐसे क्या करेगा, जो आरएनए है और टीआरएनए है वो ए साइड से अंदर आता है। मान लीजिए एयूजी है, तो एयूजी के लिए इसको पढ़ने के लिए कोड इसका उल्टा क्या होगा, यहाँ पर आ गया ये लेके टीआरएनए, ठीक है, टीआरएनए आ गया और यहाँ पर पहला कोड था एयूजी, ठीक है। तो यहाँ पर जो टीआरएनए लेके आया है इसके पास में क्या होगे, ए का उल्टा क्या होगा, यू ए सी, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से ये मैच कर जाएगा, आपस में क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगी, ए से यू, यू से ए और सी से जी, जुड़ गया यहाँ से। अब ये जो अमीनो एसिड पहला आया था, मिथियोनिन लाया था, वो यहाँ पे है, उसके बाद में चैन होती है आगे सरक जाएगी, तो ये पूरा पूरा उठ के यहाँ पे सरक जाएगा पूरा पूरा। तो ये जो हमने यहाँ पे बनाया, ये पूरा का पूरा कहाँ चला गया, ये पूरा का पूरा पी साइड में आ जाएगा, ये ए यू जी यू ए सी और ये रहा पूरा पूरा ये टी आर एन ए, ठीक है। और इस पर क्या था, ये अमीनो एसिड पहला था या मेट मान लीजिए। इसी तरीके से फिर आगे से क्या होगा, फिर अगला टी आर एन ए आएगा, अगला अमीनो एसिड लेके, अगला अमीनो एसिड लेके आया ऐसे, मान लीजिए अमीनो एसिड टू लेके आया नंबर दो वाला, और यहाँ पर कोड इसमें मैच कर गए, और यहाँ से जब मैच कर गया तो ठीक है, यहाँ से इसमें क्या होगा, आपस में इस अमीनो एसिड और इस अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि प्रोटीन क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है अमीनो एसिड की। तो अमीनो एसिड के बीच में क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तो पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। जब पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ठीक है, इस तरीके से दो की चेन होगी, इसी तरीके से ये आगे चला जाएगा, तो ये तो हो जाएगा आगे बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से ये ए ए वन हो गया, और ये वाला टू वाला कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, और जो ये यहाँ वाला टी आर एन ए था वो फ्री होके वो बाहर ऐसे वापस चला जाएगा, दूसरा यूनिट लेके आ जाएगा इधर। और ये वाला कहाँ पहुँच गया, ये वाला इधर पहुँच गया, और इधर कौन आएगा, अब थ्री वाला आएगा। ऐसे करते 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 इस तरीके चलता रहता है, और एक लंबी चेन इस तरीके से प्रोटीन की बन जाती है। तो इस तरह से होता है, बाद में जो टर्मिनेशन होता है आखिरी में, मान लीजिए यू यू ए आ गया, जो स्टॉप कोडोन थे, स्टॉप कोडोन में से तीनों में से कोई एक आ गया यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आएगा, तो इसके लिए कोई भी किसी भी अमीनो एसिड को ये कोड नहीं करता। तो कोई भी अमीनो एसिड को क्या, जब इससे मैच नहीं करेगा कोई भी, मान लीजिए यू यू ए आ गया, तो ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता, तो क्या होगा, तो टी आर एन ए इसके लिए कोई अमीनो एसिड लेके आएगा नहीं। तो जब यहाँ पे मैच नहीं होगा तो ये चैन नहीं बनेगी, तो क्या ये टूट, ये यहाँ से क्या हो जाएगी, अब एक चैन नहीं बनी, टूट गई, तो क्या होगा, ये फ्री हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, क्या टर्मिनेशन। तो स्टॉप कोडोन के द्वारा क्या होता है, टर्मिनेशन किया जाता है, टर्मिनेशन किया जाता है स्टॉप कोडोन के द्वारा, ठीक है। और इसी में एक पढ़ेंगे आप, यू टी आर, अनट्रांसलेटेड अनट्रांसलेटेड रीजन, ये क्या होते हैं, अब ये ट्रांसलेट हो रही थी सूचनाएं जो थी, उनका ट्रांसलेशन हो रहा था कि किस तरह के अमीनो एसिड आएंगे, प्रोटीन किस तरीके की बनेगी। तो ये क्या है, ट्रांसलेटेड रीजन, सॉरी ये ट्रांसलेशन हो रहा था, इसलिए प्रोसेस को ट्रांसलेशन कह रहे हैं। तो यहाँ से जो अनट्रांसलेटेड रीजन है, तो ये जो जो इनिशिएशन हुआ था ए यू जी से एक पहले थोड़ा सा, और जो स्टॉप कोडोन है उसके बाद में थोड़ा सा जो रीजन होता है वो ट्रांसलेट उसका नहीं होता, तो उनको क्या बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन, यानी कि उनसे कोई अमीनो एसिड नहीं बनेगा, नहीं ना कोई अमीनो एसिड प्रोटीन बनेगी, वहाँ से कोई प्रोटीन नहीं बनती उस रीजन से, तो उनको अनट्रांसलेटेड रीजन उनको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से मान सकते हैं कि ज़्यादा डिटेल में तो नहीं गए, एक शॉर्ट में
जो है ये ट्रांसलेशन थी, ज़्यादा डिटेल में नहीं थी, शॉर्ट में एक ट्रांसलेशन के बारे में हमने बताया यहाँ पर। इसको आप देखें, नॉर्मल एनसीईआरटी पढ़े, ठीक है। चलिए इस लेक्चर में यहीं तक करते हैं।